नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ YouTube चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज हम खास बात आपसे ये करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कई एंगल से हम देख रहे हैं आज की तारीख में, और वो सारे एंगल आपके सामने हम रखना चाहते हैं। क्योंकि हो ये रहा है कि क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से मूव करनी चाहिए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो इस सब के लिए क्या मैटर रखती है न्यूज़, और ये न्यूज़ मैं देख रहा हूँ कि जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे जाती है, लेकिन जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट कांस्टेंट बनी रहती है, मार्केट साइडवे में चलती रहती है, मार्केट बढ़ती ही नहीं है, मार्केट बिल्कुल एकदम ढीठ हो जाती है, मार्केट चलती नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के साथ कि न्यूज़ तो पॉजिटिव आ रही है लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा है, और जब नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसका असर तो आप जानते हैं, जो कोई एकदम फेक न्यूज़ आ रही है उनका भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो रहा है मार्केट पर। तो ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले हम उन न्यूज़ को बताते हैं और उनके साथ क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी आप खुद ही से गौर करेंगे, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में अगर एक्टिव हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जैसे जैसे मैं बोलूँगा सब कुछ आपके सामने आती रहेंगी। बस मुझे इसमें आपका ये चाहिए कि आपका भी ओपिनियन चाहिए कि आप क्या, जो चीज़ मैं इस चीज़ में लेकर आया हूँ वो चीज़ आपके साथ भी इस तरीके की आप कुछ फील कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन जाने बिना बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि इस वीडियो का कंक्लूजन भी इम्पॉर्टेंट है। तो जानते हैं इन सब के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय, और आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की कुछ एक खास यूनिक जानकारी के बारे में। और 2 दिन से मेरी वीडियोस कुछ सही तरीके से नहीं आ रही थी। सैटरडे को जो वीडियो थी वो उसका वीडियो का पार्ट था, पूरी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलेगी, और संडे की वीडियो भी मिस हो गई क्योंकि हम उस समय अपने शहर में नहीं थे, हम थे हरिद्वार में। और हरिद्वार इसलिए गए थे कि मुझे लगा कि कुछ स्ट्रेस से जो लाइफ चल रही काफ़ी ज़्यादा भागम भाग हो गई थी, तो मुझे लगा 2 दिन का छुट्टी चाहिए, इसलिए हम तुरंत ट्रेन पकड़े और निकल गए फटाफट से। और वहाँ पर कुछ खास इत्तेफाक ये हुआ कि जब आरती का समय था, शाम का समय, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से हमारी मुलाकात हुई, मतलब हमारे यूट्यूब के एक बहुत मतलब डायनेमिक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है बुद्धिल व्यास, हमारे छोटे भाई जैसे हैं वो। तो उनसे मुलाकात हुई, और मिलने के बाद काफ़ी अच्छा मन लगा कि जब उनसे मिले तो मतलब एक कैमरे से जो पर्सनैलिटी को हम लोग जानते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जब मिलकर किसी से मिलते हैं तो एक और अच्छा बाउंड बनता है। तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा बुद्धिल व्यास जी से, और काफ़ी अच्छा समय हम लोगों ने वहाँ बिताया हरिद्वार का संडे का दिन, और उसके बाद फिर फटाफट से हम वापस आप लोग के सामने आज हाजिर हो गए हैं। तो बहुत अच्छा रहा मेरा संडे और सैटरडे का दिन। तो अब बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ मुझे जो कुछ 5 ऐसी मैं पॉइंट बताऊंगा जिनकी जो इम्पैक्ट न्यूज़ का होना चाहिए था वो फुस हो जाती है न्यूज़, और जो ऐसी न्यूज़ जिनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था वो न्यूज़ हो जाती हैं। तो उससे मैं ये आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, कुछ अपनी भी राय दूंगा इसके बारे में कि क्या क्रिप्टो करेंसी किस हिसाब से हम लोग जितना भरोसा कर कर अपना गाड़ी से गाड़ी कमाई लगा रहे हैं क्या उस चीज़ के लायक है। क्योंकि आप न्यूज़ सबसे पहले सुनिए, जब हम बात करते हैं अभी नेगेटिव न्यूज़ की, उसके बाद पॉजिटिव न्यूज़ की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ की बात करें, जो रिसेंटली आई थी नेगेटिव न्यूज़ चाइना फंड की, मतलब चाइना आपने देखा होगा पिछले मेरे ख्याल से 2-1 महीने पहले ही चाइना की न्यूज़ आई थी कि चाइना अपने शहर से, अपनी कंट्री से क्रिप्टो करेंसी को बाहर निकाल रही है, माइनर्स वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके घुमा घुमा कर आई। उसके बाद फिर अभी आई, उसके बाद फिर काफ़ी पहले आई थी 2013-17, कंटिन्यू बैक टू बैक चाइना अपनी कंट्री से क्रिप्टो बैन कर रहा है, पता नहीं कितनी बार और बैन करेगा। तो जो नए यूज़र होते हैं वो ये सुनकर कि चाइना इतनी बड़ी कंट्री ने जब क्रिप्टो को बैन कर रही है तो क्या होगा सबके पोर्टफोलियो का, इसलिए लोग लगातार बैक टू बैक सेल करने लगते हैं और क्रिप्टो करेंसी एकदम से क्रैश करने लगती है। तो ये एक न्यूज़ जिसकी वजह से बैड इम्पैक्ट पड़ा, और जो न्यूज़ एक्चुअल नहीं थी, आप कोई भी पोर्टल इस समय सर्च कीजिए उस पर वो एक्चुअल चीज़ पता चलेगी। उसके बाद चाइना की ही एक न्यूज़ थी जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए थी, जो एवरग्रांडे की थी, वो न्यूज़ थी, लेकिन उस न्यूज़ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्रिप्टो पर, शेयर मार्केट पर उतना नहीं पड़ा, जबकि ना ही उसका कोई क्रिप्टो से लेना देना था, फिर भी क्रिप्टो पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद चाइना का फंड, उसके बाद इस न्यूज़, ये दूसरी न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ अब हम बताते हैं, अपने जो इलॉन मस्क हैं उनका जो ट्वीट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाता है कभी कभी, अगर वो बोलते हैं बिटकॉइन को हम अब हो सकता है आगे मतलब एक्सेप्ट ना करें। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज़ मतलब इतनी बड़ी बन जाती है कि मार्केट एकदम से क्रैश करने लगती है। उसके बाद कोई जो US के काउंसिल हैं वो अगर बोल देते हैं कि अब हम
इसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं और अपने इसके लिए बिल लेकर आने वाले हैं, तो मार्केट क्रैश हो जाती है। उसके बाद जब यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल होता है और यूएस से कुछ लोगों का फंड मतलब कुछ टैक्स देने की बात आती है, तो मार्केट क्रैश हो जाती है। और इस तरीके से तमामों ऐसी न्यूज़ हैं जिनकी वजह से मार्केट डाउन चली जाती है। और अब इसके अपोजिट बात करते हैं कि मार्केट कब पॉजिटिव होनी चाहिए और नहीं होती है। जैसे एल सेल्वेडर का क्या हुआ था कि मार्केट पॉजिटिव जानी चाहिए थी, मार्केट पॉजिटिव जाते जाते फिर से वापस रुकी और काफ़ी ज़्यादा उसी दिन ही क्रैश हो गई। उसके बाद जब माइक्रो स्ट्रेटजी के माइक्रो सेलर कई बार अपने ट्वीट से ट्वीट कर करके थक जाते हैं कि हाँ मुझे बिटकॉइन, मैं इतनी ख़रीदना चाहता हूँ, मैं इतने खरीद चाहता हूँ, वो खरीद खरीद के खरीद खरीद के थक नहीं रहे, लेकिन मार्केट अप नहीं जा रही है। उसके बाद बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा डाउन होने के बाद, 27,000 डॉलर छूने के बाद वापस से जब 51-52,000 छूता है, उसके बाद भी मार्केट रिवर्सल लेती है और फिर जो आज की कंडीशन है वो हम लोग को देखने को मिलती है। यानी बिटकॉइन इतना ज़्यादा नाजुक है, एकदम काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, जो फटाफट से उसको कोई भी बुरी न्यूज़ लगती है तो नीचे उतर आता है। उसके बाद 5 नई कंट्रियों ने अनाउंस किया है कि हम बिटकॉइन के जो अपनी कंट्री में लीगल करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही वो कंट्रियाँ भी लीगल टेंडर करेंगी अपने अपने कंट्रीज़ में बिटकॉइन को। तो वो भी न्यूज़ बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं ले सकती, ले जा पाती है। 2-4% बिटकॉइन अप जाता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन चला आता है। उसके बाद इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ आती है कि इंडिया अपनी खुद की CBDC लॉन्च करने वाली है इस दिसंबर को, लेकिन वो भी न्यूज़ बिटकॉइन को पॉजिटिव की तरफ नहीं ले जा पाती और ज़्यादा नीचे, थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाता है लेकिन ज़्यादा नीचे चला जाता है। कम से कम इंडियन कॉइन, जो कि इंडियन कॉइन है, वो तक तो उस न्यूज़ के बाद से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो बिटकॉइन के साथ होता क्या है कि पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत तेज़ी से वो इग्नोर करता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और आज की तारीख में जो लीड कर रहा है, आज की तारीख में अगर मार्केट का आप चार्ट देखेंगे तो लीड जो कर रहा है वो इथेरियम कर रहा है, जिसने अभी पिछली बार भी मार्केट को लीड किया था और इस बार भी मार्केट को लीड करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन कुछ एक आध बैड न्यूज़ भी आगे लगी हुई हैं, तो आप अगर कुछ बाय करने की सोच रहे हैं तो अपना पार्ट में बाय करिए, ताकि अगर आपको डिप मिले तो और ज़्यादा आप उस समय बिटकॉइन को बाय कर सकें। अभी कुछ एक आध न्यूज़ हैं जो कि यूएस की तरफ से हैं। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल नेक्स्ट इस वीक में आने के लिए न्यूज़ आ रही है, और अगर वो आ जाता है तो हो सकता है उससे कुछ बैड इम्पैक्ट पड़े और हो सकता है पॉजिटिव पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप उस समय ज़रूर देख सकते हैं। अभी उसका कुछ तय नहीं है कि उसका किस तरफ जा सकता है मार्केट का मूव, और जो गैरी गैंसलर हैं उनका भी उसके बाद बैक टू बैक आ जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है उसके बाद मार्केट अप जाना है, और उम्मीद है इस अक्टूबर में कुछ अच्छा बड़ा ग्रीन हम लोग को देखने को मिले। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्या मेरी ओपिनियन है इन दोनों पॉइंट्स को देखने के बाद। जैसे 5 पॉइंट हमने देखे कि मार्केट में इम्पैक्ट के, और 5 पॉइंट देखे कि मार्केट में बैड इम्पैक्ट के। तो उसके बाद मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को अगर हम आज खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो लॉस की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमारा प्रॉस्पेक्ट, यानी कि अगर हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। यानी कि हमको सिर्फ नज़रिए में यही रखना है कि अगर हम कहीं से फंस गए हैं बिटकॉइन को बाय कर कर और अब सोच रहे हैं कि नहीं मैं फंस चुका हूँ, मेरा पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा है, तो बस थोड़ा सा ये इंतज़ार करना है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपका पोर्टफोलियो वापस से प्लस में चला जाएगा, ग्रीन में चला जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा समय जैसे ही अप होगा मार्केट ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी खासी हैं वो छोड़ी जाएंगी, स्प्रेड की जाएंगी जैसे ही मार्केट कुछ पॉजिटिव आएगी। इलॉन मस्क के भी ट्वीट आने हैं, काफ़ी सारे आने हैं, वो भी ट्वीट करने के लिए बिल्कुल बेताब हो रहे हैं अपने डोज कॉइन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कुछ अभी फिक्स नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हैं वहीं, बस अभी कुछ साइलेंट बैठी हुई हैं। और आप सब जो जिनका भी लॉस महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें अभी के लिए, और जैसे ही उनको मार्केट में अच्छा मूव मिलता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए मेरा नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ, अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए किसी को डिस्टर्बेंस महसूस होता है तो वो तुरंत से अपना लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट अगर चेंज करता है तो वो और प्लस प्लस यानी विन विन सिचुएशन में जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्कैमर से बच के रहिए। किसी को भी हमारे नाम से पैसा मत भेजिए। इस वीडियो के कमेंट में हो सकता है बहुत सारे लोग स्कैमर बनकर हमारे नाम से कमेंट करें, तो वहाँ पर किसी को जवाब मत दीजिए। टेलीग्राम पर भी सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, बहुत सारे ग्रुप हमारे नाम से ऑलरेडी बने हुए हैं, और आप चेक कर लीजिए। अगर आप किसी भी स्कैमर के ग्रुप में हैं तो हमारे ओरिजिनल ग्रुप में आइए, कम से कम कुछ मतलब स्कैमर के ग्रुप में तो मत रहिए। और इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह आप देख लीजिए कि कहीं कोई स्कैमर वगैरह ग्रुप में तो नहीं छोड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देख लीजिए।